दोस्तों घर में प्लास्टर करवाते हैं या जुड़ाई ब्रिक वर्क करवाते हैं तो उसमें कितना खर्चा पड़ता है, कैसे निकालते हैं, मतलब प्लास्टर का कितना पड़ेगा, ब्रिक वर्क का कितना पड़ेगा, मटेरियल लेबर सब चीज का खर्चा निकालना आपको आना चाहिए, तभी आपको कॉन्ट्रैक्टर बेवकूफ नहीं बना पाएगा। और एज ए सिविल इंजीनियर तो आपको आना ही चाहिए, तो घर की कंस्ट्रक्शन जो करवा रहे हैं तो वो जरूर वीडियो देख लेना। सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप निकाल सकते हो कि आपकी घर में जो जुड़ाई की है, ब्रिक वर्क की है, उसमें कितना खर्चा आने वाला है, उसके लिए बजट बना सकते हो, जहां कितना खर्चा आया है तो कॉन्ट्रैक्टर को बिल दे सकते हो। वैसे ही प्लास्टर का देखेंगे तो कंप्लीट वीडियो देखना, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है आपके लिए जिसमें आप कंप्लीट सीखोगे। जैसे ये सामने दीवारें हैं, इनको बनाने में कितना खर्चा आता है, कैसे निकालते हैं वो, फिर ये प्लास्टर जैसे सामने हो रहा है, इसको लगाने में मटीरियल का खर्चा कितना आएगा, ऐसे कितना खर्चा आएगा, सब चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। कंप्लीट वीडियो देखना, लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। तो इसमें एग्जांपल ले ली मैंने, 4 मीटर हमारी लंबी दीवार, 3 मीटर उसकी हाइट है और एक बीच में विंडो लगी है। इसकी डिडक्शन का भी मैं समझा देता हूँ, प्रोसीजर क्या होता है। देखो सबसे पहले किसी भी चीज की, आप ब्रिक वर्क की हम पकड़ के चलते हैं, ब्रिक वर्क की जो मेजरमेंट की जाती है वो स्क्वायर फीट में भी आती है, आपकी एम क्यूब में भी आती है, क्यूबिक फीट यानी क्यूबिक मीटर में। तो उसके लिए क्या करते हैं, टेप को आपको क्या करना है, यहां से लेके यहां तक टेप, जहां जितनी लंबी आपकी दीवार होगी उसको पहले ये टेपिंग की, फिर हाइट में उसकी टेपिंग की, फिर आपने देखनी है मोटाई कितनी है। मैं इसको मीटर एमएम में लेके चलता हूँ, इसको आगे जो स्क्वायर फीट में समझते हैं फीट वाले, तो आगे मैं फीट में कन्वर्ट कर लूंगा, ठीक है। तो मोस्टली आजकल ड्राइंग आपकी मीटर में रहती है, तो 4 मीटर लंबी, 3 मीटर हाइट, 230 mm वो चौड़ी है दीवार है, और जो खिड़की है वो 600 mm ऐसे है, 900 mm हाइट है उसकी, ये क्लियर हो गया। फिर अभी हम चलते हैं 4 मीटर, इसको निकालने का सबसे पहला स्टेप क्या रहता है, 4 मीटर ये हमारी आगे लंबी, फिर हाइट आगे उसकी 3 मीटर, और ये आगे 230 mm हमारी मोटाई। तो क्लियर यहां तक, तो ये mm थी, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या लग जाएगा, 0.230, फिर वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब उसको 1000 से कर लिया। फिर हमारे तीनों को मल्टीप्लाई कर देने, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 2.76 m³ हमारा आ गया। यहां तक क्लियर हो गया कि हम इसका क्वांटिटी निकाल ली इसकी। फिर अभी डिडक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां खिड़की में तो हमारी ब्रिक वर्क नहीं हो रही है, तो इसको निकालना है, तो हम यहां से इसको यहां लिख देते हैं, फिर इसका वॉल्यूम हमें निकालना होता है। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वो निकलेगा 0.600, 0.900 और 0.230, ठीक है। चौड़ाई 600 है, 900 हाइट है, और 230 की होगी क्योंकि दीवार 230 की है, तो उतना ही छोड़ना पड़ेगा हमें उसके लिए गैप, क्लियर। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, वो आगे हमारा 0.124, तो 27.6 टोटल का आया था, इसमें से खिड़की माइनस कर ली तो हमारा आया 2.636। कैलकुलेशन पे ध्यान दें, नहीं दो मिनट जो प्रोसेस है, प्रोसीजर है, उस पर देखना, 2.636 आ गया, ठीक है। अभी लेबर कॉस्ट निकालते हैं कि इसको अगर हमें एम क्यूब में निकालना है तो हमें लेबर कॉस्ट कितनी बढ़ेगी। तो एक एम क्यूब के लिए क्या होता है, थंब रूल है, एक मिस्त्री, 2 हेल्पर चाहिए होते हैं। मिस्त्री इस समय कितना, 800 रुपया ले रहे हैं, और 450 आपके हेल्पर ले जाते हैं इस समय, ये कम बता रहा हूं, कई जगह ज्यादा भी ऐसे, तो ये 1700 रुपया आपका लगा लो। और एक मिस्त्री 2 हेल्पर एक दिन में 8 घंटे की शिफ्ट में, 8 आवर में कितना करते हैं, 1 m³ ब्रिक वर्क कर देते हैं, तो हमारा टोटल हो रहा है 2.636 m³ हमारा हो रहा है। तो 1700 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल गया 4,481 रुपया, अगर हम लेबर कॉस्ट इस समय ब्रिक वर्क को करने में लग जाती है हमारी, क्या 4,481, ये आ गया m³ में अगर निकालना। फिर इसमें मटेरियल कॉस्ट, अगर मटेरियल का कितना खर्चा निकालना हो, कैसे निकालते हैं ब्रिक वर्क का ही, ये प्रोसेस समझा रहा हूं, मैं किसी दीवार की या रेट एनालिसिस नहीं कर रहा हूं, प्रोसेस समझा रहा हूं, एस्टिमेट कर रहा हूं, रेट आगे पीछे हो सकते हैं, रेट अपने से डाल लेना आप। तो मटेरियल हमारा कितना, 2.63 m³ आया था, और 1 m³ ब्रिक वर्क करने के लिए हमें अप्रोक्स 5,500 रुपया लग जाता है, मटेरियल मतलब लेबर कॉस्ट नहीं है इसमें, मटेरियल का, ब्रिक का आ गई, सीमेंट आ गया, सैंड आ गई, तो 5,500 रुपया। तो 2.63 m³ था हमारा, तो 5,500 से मल्टीप्लाई किया, 13,707 रुपया हमारा इसमें मटेरियल में खर्चा लग गया। दोनों को टोटल करना हो, अगर हमें दोनों को टोटल कर लेते हैं, दोनों को 13,707 प्लस 4,481 दोनों को करेंगे तो हमें मटेरियल प्लस लेबर कॉस्ट का खर्चा मिल जाएगा कि इतनी m³ की हमारी दीवार थी, तो वो उसको करने में इतना आ गया, ये आ गया m³ में।
फिर कई जगह क्या किया जाता है, स्क्वायर मीटर में या स्क्वायर फीट में किया जाता है, वो भी मैं समझा देता हूँ आपको। तो उसको लिए क्या करना है, आपको टेप मारनी है लंबाई में और हाइट में, इसमें दो ही काम करना है। लंबाई में 4 मीटर था हमारा और हाइट 3 मीटर थी, तो वो आ गया हमारा 12 स्क्वायर मीटर, 12 स्क्वायर मीटर मिल गया। लेकिन यहाँ विंडो भी थी, इसकी डिडक्शन हमें करनी है, तो इसको करना है 0.600 mm में है, मीटर में कन्वर्ट कर लो, 0.600 मल्टीप्लाई बाय 0.900, इसको जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.54। ठीक है, टोटल 12 आया था, उसमें से डिडक्शन कर ली हमने, निकाल दिया 12 माइनस ये कर दिया तो आ गया 11.46 mm². ठीक है, मीटर स्क्वेयर आ गया, इसको आगे देखते हैं, मीटर स्क्वेयर आ गया। अभी हमें कन्वर्ट करना है इसको स्क्वेयर फीट में, क्योंकि मोस्टली स्क्वेयर फीट में आपको रेट देखने को मिलेगा, मैं रेट आगे बताने वाला हूं। तो उसको स्क्वेयर फीट में करने के लिए हम 10.76 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो आपका मीटर स्क्वेयर होगा ना, उसको कन्वर्ट अगर आपको करना होगा तो 10.76 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 11.46 इंटू 10.76 किया तो 123.3 स्क्वेयर फीट हमारा क्या आ गया, एरिया आ गया। जब एरिया हमें मिल गया तो रेट जो होता है, 4 इंच की दीवार करनी है तो 18 से 20 रुपए स्क्वेयर फीट है, 6 इंच की दीवार करनी है 23 से 26 रुपए पर स्क्वेयर फीट है, 9 इंच की दीवार करनी है 26 से 35 रुपए पर स्क्वेयर फीट है। ये अलग अलग एरिया के होते हैं, आप इसको पकड़ के चलिए, इतना ही आपके एरिया में होगा, 1-2 रुपए आगे पीछे रहेगा। तो हमारा आया था कितना आया था, हमारा आया था 123 स्क्वेयर फीट। तो अभी हमें रेट डालना है, लेबर खर्चा कितना पड़ेगा, 123 हमारी 9 इंच की दीवार थी, 230 mm पकड़ के चलो 9 इंच की दीवार थी हमारी, उसका रेट होता है 26 से 35 रुपए, लोकेशन के हिसाब से चेंज होता है, तो हम 35 हाईएस्ट रेट पकड़ लेते हैं। तो 123.3 × 35 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4,315 हमारा लेबर कॉस्ट आएगा, किसमें, उस दीवार को बनाने में। यहां तक क्लियर हो गया, यही होता है प्रोसेस अगर आपको ब्रिकवर्क का लेबर मतलब कॉन्ट्रैक्टर का जिसको बिल बनाना पड़ता है, तो यही प्रोसीजर रहता है, कुछ ज्यादा टेक्नोलॉजी उसमें नहीं लगती। अभी आगे बढ़ते हैं, हमारी एक प्लास्टर की जैसे मैंने बात की थी कि मैं प्लास्टर का भी आपको बताऊंगा। तो हमारी दीवार है एक 5 मीटर लंबी है, हाइट उसकी 3 मीटर है, तो इसको सबसे पहले क्या करना है, टेप आपने मारनी है, जितनी लंबी आपकी दीवार होगी उतनी लंबी टेप आपको करनी है। तो हमारी 5 मीटर आई, हाइट 3 मीटर आई, तो इसको क्या करना है, 5 × 3 पहले मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया कि 15 स्क्वायर मीटर हमारी जो दीवार है उसको प्लास्टर करना है। अभी जो लेबर रेट इस समय चल रहा है कि इसका प्लास्टर करने का, अगर स्क्वायर मीटर में हम देखें 185 से 230 तक रेट इस समय लेते हैं प्लास्टर करने का, तो 15 × 185 किया तो 2,775 रुपये हमारे इसको दीवार करने के लेबर कॉस्ट लग जाएगी। अगर स्क्वायर फीट में, मोस्टली स्क्वायर फीट में रहता है तो स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या बताया था, 15 को आपको जो स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करना है उसको 10.76 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 15 × 10.76 किया तो हमें मिल गया 161.4 स्क्वायर फीट हमारा एरिया हुआ। तो जो मार्केट रेट इस समय चल रहा है प्लास्टर करने का, वो आपका 12 रुपए से 25 रुपए पर स्क्वायर फीट होता है, तो 161.4 था इंटू 161.15 किया हमें तो हमें मिल गया कि 2,421 रुपए हमारा लेबर कॉस्ट आएगा इसको प्लास्टर करने में। अब कई क्वेश्चन हो गए दोनों रेट में थोड़ा बहुत अंतर है, तो देखो रेट आगे पीछे होते हैं, 180 कई जगह 180 लिया जाएगा और यहाँ एक 12 भी हो सकता है, 13, 14 भी, वो रेट अपने से ऐड करने में प्रोसीजर आपको बताते जा रहा हूं। फिर विद मटेरियल अगर आपको किसी को देना है कि विद मटेरियल कितना खर्चा पड़ेगा, तो विद मटेरियल इस समय 90 रुपए लेते हैं, 90 रुपए पर स्क्वायर फीट है, तो 161.4 × 90 रुपए, क्योंकि 90 रुपए रेट है, कई जगह 85 है कभी 90 है, तो 161 × 4 × 90 करेंगे 14,526 रुपए हमारे विद मटेरियल खर्चा पड़ेगा।